जिला जांजगीर चांपा के नगर पंचायत बलोदा निवासी अंकित कटकवार एग्रीकल्चर बीटेक के छात्र हैं। इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पहले से ही गोबर से गमला तैयार कर रखा था। उन्होंने बताया, सीमेंट से बने गमले पर पौधा लगाने से पौधा बड़ा होने के बाद सीमेंट का गमला तोड़कर लगाना पड़ता है, जिससे पौधे मर जाते हैं और पर्यावरण में सीमेंट नुकसान पहुँचाता है। देखिए हमारा स्पेशल रिपोर्ट। आज के दौर में पर्यावरण के साथ हो रहे अत्याचार को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली चीज़ों की ओर रुख करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए बलौदा नगर पंचायत के एक युवक अंकित कटकवार ने एक स्टॉप अप गोमाता की देन ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। स्टार्टअप गाय के गोबर से तैयार प्रोडक्ट्स पर काम करते हैं। जैसे ही पूर्व में गोबर में गमले, धूपबत्ती, दिए, मूर्तियाँ इत्यादि वर्तमान समय में गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जा रहे गणपति की मूर्तियों से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखकर स्टार्टअप के द्वारा गाय के गोबर से गणपति की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जो पर्यावरण के अनुकूल व सराहनीय है। अंकित के स्टार्टअप को अभिषेक सोनी, जो कि मूर्तिकार हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहा और दोनों युवकों ने मिलकर इन मूर्तियों को तैयार किए। इन दोनों मित्रों की सराहनीय कार्य की चर्चा पूरा नगर पंचायत बलौदा में है। गमले, धूपबत्ती, दिए इत्यादि, तो अभी चूँकि सीज़न जो है वो गणपति का है, तो हमने एक और नया ट्रायल लिया कि गणपति की मूर्तियाँ, चूँकि आप देख रहे हैं बाज़ार में जो सिंथेटिक कलर्स और पर्यावरण को दूषित करने वाले गणपतियों का बाज़ार काफ़ी बढ़ चुका है, तो हमने एक और मुहिम नया तैयार किया कि अब इको फ्रेंडली गणपति पे हम काम करते हैं, जिस पे हम गाय के गोबर से बने हुए गणपति को हम मार्केट पे लेके आए, तो इस तरह से हमने इसको तैयार किया जी। गमला वमला भी बनाते हैं आप गोबर से? जी, उनका अभी तो फिलहाल हम गमले पे ही फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम धूप बत्तियाँ भी बनाते हैं, दिए बनाते हैं और गाय के गोबर से हम लकड़ियाँ बनाते हैं जी। बताएंगे जी, जो गमला बनाते हैं जी, गमले से लोगों को क्या फ़ायदा है? इसमें एक्चुअल में ये जो गमला बना है वो नर्सरी पॉट है वो, और लोगों को फ़ायदा ये है कि उसमें जो प्राइमरी मैन्योरिंग जो होती है ना, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है उसको 6 महीने तक माँ का दूध चाहिए होता है, तो ऐसे ही है एक प्राइमरी मैन्योरिंग, जो पौधे को प्राइमरी खाद की आवश्यकता होती है वो ये गमला स्वतः ही दे देता है। आपको एक्सटर्नल किसी तरह से उसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही फुलफिल कर लेता है जी। आप ये गोबर के जो मूर्ति बनाए हैं, गमला बना रहे हैं जी, आप शासन को इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? शासन को इसमें मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि अभी भारत सरकार भी आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी भी एक तरह से गाय के गोबर को खरीदने का उन्होंने ऐलान किया है, तो मैं वही चाहूँगा कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी हद तक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सिर्फ खाद के ही माध्यम से नहीं, अभी तो ऐसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं, इनसे काफ़ी हद तक वैल्यू एडिशन होता है गोबर का, इससे राज्य की इनकम भी बढ़ सकती है और साथ ही साथ फार्मर को